हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आने वाला है यूनिवर्स की साइड से। ऑल राइट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 इज़ ऑल्सो फॉर वीनस। तो कहीं ना कहीं लग्जरी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से, रोमांस, ये वाली जो एनर्जीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, एंड साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनली आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है। इट्स लाइक यू नो, वो क्यूपिड्स एरो जो है वो फाइनली हिट करने वाला है एंड आप डेफिनेटली किसी पर्सन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। This seems to be a very intelligent person, काफ़ी ज़्यादा intellectual person है, balanced person है, practical person है, लेकिन ये एक ऐसे person होने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से integrate करेंगे, बहुत अच्छे से balance करेंगे। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक वहाँ पे भी आपको अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो आप लोगों का जो पूरा फोकस है वो डेफिनेटली अपने काम पे लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नए इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो। शायद से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, नॉट जस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बट इट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नई नई चीज़ों को आप देखते हुए दिख रहे हो, एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है फाइनेंशली। अगर आप अच्छे से यू नो एक्सप्लोर करके एक सही डिसीजन अगर ले पाते हो तब। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोर करते करते आप खुद गुम ना हो जाओ, आप खुद कंफ्यूज ना हो जाओ और ऐसा ना हो कि आप गलत डिसीजन ले बैठो। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से अपने डिसीजंस को आपको लेना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों की एनर्जीज़ में मुझे डेफिनेटली एक बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है, एक काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके लाइफ पर्पस की साइड लेके जाएगा, जो आप करने के लिए बने हों, जिस भी चीज़ के लिए आपको यू नो दुनिया को सर्व करना है। लाइफ पर्पस में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या सर्व करने वाले हो, एंड सर्व ये नहीं कि फ्री में ये वो, इसका सर्व करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें या तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में ट्राई की है कि शायद से ये मैं अपना करियर बना लूँगा, ये बना लूँगी या कुछ भी, लेकिन नन ऑफ देम वर्क, वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। लेकिन फाइनली अब आपको एक वो यू नो इनसाइट मिलती हुई दिख रही है कि आपके लिए क्या वर्क करने वाला है। एंड इसके लिए आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अपने साथ, काफ़ी रिफ्लेक्शन वर्क किया है, तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फील कर सकते हो किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, कुछ मेमोरीज़ को लेके भी नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है। आप में से जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ नॉस्टैल्जिया फील हो सकता है। अपनी पुरानी मेमोरीज़ देखना, पुरानी पिक्चर्स देखना, एंड वो सब चीज़ें डेफिनेटली आपका थोड़ा सा टाइम लेके आएंगी, जो थोड़ी सी डोमिनेंट रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, काफ़ी स्लो पेस डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को काफ़ी ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके एक्सटेंसिवली काम के अंदर जाने वाले हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काफ़ी वर्क करते हुए दिख रहे हो, तो उसी चीज़ के अंदर काफ़ी थकावट भी फील हो सकती है, एग्जॉशन हो सकता है ओवरवर्क करने की वजह से, मेंटली थोड़ा सा एग्जॉशन हो सकता है,
लगती है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लग रही है। इट्स लाइक ये जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों ने शायद से चीज़ें रुकी हुई थी, लेट्स से आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपने बहुत टाइम से आप उसके अंदर कॉन्टेंट डाल रहे हो बट नथिंग इज़ वर्किंग, एकदम से आप देखोगे कि वर्क करने लग जाएगा। सो जो ऐसा कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि आपको वो हार्डवर्क कंटिन्यू करना है, आप एकदम सही पाथ पे हो, उस चीज़ में आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। ओके, लेट्स सी हमारी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर अभी तक आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन थी, या आप किसी के ऊपर बहुत अनहेल्दी वे में डिपेंडेंट हो रखे थे, या कोई आपके ऊपर बहुत अनहेल्दी तरीके से डिपेंडेंट था, या बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट्स मुझे लग रही हैं दोस्तों के साथ, गलत टाइप के लोगों के साथ घूमना, एक अच्छी कंपनी ना होना, ये सब चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। ओके, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, बट नाउ धीरे धीरे आपको शायद से अब रियलाइज़ हो रहा है कि टाइम आ चुका है कि इस चीज़ से आप बाहर निकलना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा गिरते ही जाओगे। ओके, तो फाइनली वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली चीज़ दिख रही है, जहाँ पे ये चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, वो टेम्परेंस आपकी लाइफ में वापस से आता हुआ दिख रहा है, जैसे जैसे आप इस गलत हैबिट को अपनी लाइफ को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग, काफ़ी ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, यू नो, डे ड्रीमिंग करना, फालतू के इल्यूजन में घुस जाना, ये सब एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है या आज के दिन अगर आपको आया है सुबह जो थोड़ा सा यू नो आपको पूरा सपना याद है और ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली वो आपकी इंट्यूशन थी जो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रही थी, कुछ टाइम से रिलेटेड अगर शायद से हो सकता है आप कोई सपना आया हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपको वो आपकी इंट्यूशन थी जो आपको मैसेज देना चाह रही थी। बाकियों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ऐसा ही मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा यू नो आपको आप काफ़ी चीज़ों पे डाउट कर सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कहीं ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बाहर आ सकते हैं, ओवर एनालाइज करना, ओवर थिंक करना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो डेफिनेटली पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है, अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो, ओके, किसी अपने मेंटोर से गाइडेंस लेते हो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छे से सॉल्व होगी, या प्रोफेशनली अगर आप गाइडेंस लेते हो, लेट्स से टैरो हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी आपकी जर्नी को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, एक सही विश फुलफिलमेंट के लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको करना चाहिए। किसी भी चीज़ में आपको मिसलीडेड फील हो रहा है, मिसगाइडेड फील हो रहा है, तो आपको एक सही इंसान से उस चीज़ को लेके गाइडेंस लेनी चाहिए, डायरेक्शन लेनी चाहिए, एंड आपको सही डायरेक्शन मिलेगी भी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों की जो एनर्जीज होने वाली हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा कुछ रिसर्च वर्क या किसी चीज़ के ऊपर यू नो पढ़ना, कुछ जानने की कोशिश करना, अपने बारे में कुछ जानने की कोशिश करना, आप में से कुछ लोग कुछ न्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपकी CV को और ज़्यादा इन्हांस करेगा, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं हमारी लाइफ में, राइट? तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको शायद से लगे कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो आप कर रहे हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होने वाला है, धनु राशि। ओके, लेट्स सी हमारी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है।
ओके, मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, अगर कोई टीम से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं, टीम से मेरे को ज़्यादा लग रहा है, करियर के अंदर आपके प्रोफेशनल उसके अंदर मुझे थोड़े ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, कोई टीम मेंबर हो सकता है जो कोई इशू क्रिएट कर दे, यू नो फालतू की ईगो लेके आके, फॉल्स ईगो की मुझे डेफिनेटली एनर्जीज दिख रही हैं, अननेसेसरी इंटरप्शन दिख रहा है, अननेसेसरी काम के अंदर ब्लॉक डालने वाली चीज़ मुझे लग रही है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा एंड आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप इसके अंदर कोई भी एक्शन ना लो, आप बस चीज़ों को ऑब्जर्व करो, सामने वाले के पर्सन को ऑब्जर्व करो क्या एग्जैक्टली टीम के अंदर चल रहा है एंड देन आप उस चीज़ को लेके प्रोसीड करो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली करियर वाली चीज़ को लेके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी कुंभ राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत अच्छा मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या बहुत अच्छा एक कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है किसी के साथ। हो सकता है कि काम जहाँ पे जो आपकी काम की जगह है वहाँ पे आप करो, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो, तो करियर से ये चीज़ थोड़े पर्सनल उस पर भी जा सकती है, बट ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक वाला मुझे यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, कंपैशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप साथ में बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर अभी तक आप किसी ना किसी नो कांटेक्ट जोन में जा रहे थे या किसी ना किसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ आप डील कर रहे थे, कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी, तो उस चीज़ के अंदर आपको एक न्यू होप आती हुई दिख रही है, आप चीज़ों को न्यू पर्स्पेक्टिव से देखते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स लाइक आप बिल्कुल भी उस विक्टिम मोड में नहीं रहना चाहते हो, अपनी चीज़ें देखें कि कैसे गलत चीज़ों ने आपको इम्पैक्ट किया है या कैसे ओवरली इमोशनल अगर आप होते हो तो वो चीज़ आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है वो लोग, उन लोगों के प्रेजेंस ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है, तो फाइनली आप उस चीज़ के अंदर आपको वो सीख मिलती हुई दिख रही है जो हमेशा से यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे मीन राशि। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।